उत्तर प्रदेश में हज यात्रा के लिए आज राजधानी लखनऊ से पहली फ्लाइट रवाना की गई। दोपहर 12 बजे रवाना की गई पहली फ्लाइट में 289 हज यात्रियों ने उड़ान भरी। बता दें कि इस बार लखनऊ से 25,000 जायरीनों को आने वाले एक हफ्ते तक रोजाना 4 से 5 फ्लाइट से मदीना रवाना किया जाएगा। वहीं आज सुबह हज हाउस से एयरपोर्ट के लिए बसों को उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री दानिश आजाद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान हज कमेटी के चेयरमैन मोहसिन रजा, केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर और मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद फरंगी महली भी मौजूद रहे। इसके बाद एयरपोर्ट पर जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने सभी हज यात्रियों का स्वागत किया। बता दें कि इस साल यूपी से 25,000 से ज्यादा लोग हज यात्रा करने जा रहे हैं, जिसमें 14,240 महिलाएं, 12,546 पुरुष शामिल हैं। वहीं सबसे ज्यादा हज यात्रा पर जाने वालों की संख्या मुरादाबाद से है, दूसरे नंबर पर लखनऊ है, और जहां से 1411 लोग हज यात्रा पर जा रहे हैं, जिसमें 730 पुरुष और 681 महिलाएं शामिल हैं। इसके अलावा ललितपुर और चित्रकूट से 15-15 यात्री हज यात्रा पर जा रहे हैं। वहीं इस अवसर पर दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि सीएम योगी ने हाजियों से प्रदेश और देश की तरक्की और खुशहाली की दुआ की गुजारिश की है और सबको शुभकामनाएं भेजी हैं। उन्होंने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश से जाने वाले हाजियों के लिए सरकार की तरफ से सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके साथ ही हज यात्रियों को वहां पर कोई असुविधा न हो, इसके लिए 60 हज सेवक भी राज्य सरकार की तरफ से भेजे गए हैं। देखिए, कोरोना काल के बाद अब तक का सबसे बड़ा ग्रुप ये हज के सफर पे जा रहा है और आज हज की पहली फ्लाइट आज 21 मई को लखनऊ से रवाना हो रही है। लखनऊ एयरपोर्ट से इस समय हम हज हाउस में मौजूद हैं और आपने देखा कि हमने हाजी भाइयों को पूरे प्यार मोहब्बत के साथ, पूरे इंतजाम के साथ उन्हें विदा किया है और पूरे हज कमेटी की, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की कोशिश रही कि हमारे हाजी भाइयों को कोई दिक्कत ना हो। हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने तमाम हाजी भाइयों को शुभकामनाएं भी भेजी हैं और उनसे अपील की है कि वहाँ जाके हमारे मुल्क के सलामती की दुआ करें और पूरे महीने भर इसके इंतजाम में हमारे जो हज कमेटी के मेंबर्स भी लगे रहे, अलग पूरे प्रदेश के अलग अलग जनपदों में वो गए और प्रदेश के हर कोने में जाके हाजी भाइयों की, चाहे ट्रेनिंग की बात हो, चाहे वैक्सीनेशन की बात हो, तमाम जगह हमारे साथ हमारे इफ्तिखार भाई मौजूद हैं, खुदा भी मौजूद हैं साहब, तमाम हमारे अलग अलग जनपदों में ये लोग गए और सब ने पूरी कोशिश की ईमानदारी से कि हाजियों को अच्छी बेहतर व्यवस्था मिले, इन चीज़ों को सुनिश्चित किया जाए। आज हमारे केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी, हमारे मौलाना फिरंगी महली साहब, हमारे हज के जो चेयरमैन साहब हैं, तमाम लोग मौजूद थे। उनके सबके मौजूदगी में हमने हाजी भाइयों को रवाना किया यहाँ से और हमें पूरा यकीन है कि हमारे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार ने जो इंतजाम किए हैं उससे हमारे हाजी भाई खुश होंगे, संतुष्ट होंगे और उनको सफ़र दौरान सफ़र कोई दिक्कत, कोई तकलीफ ना हो, इन तमाम चीज़ों को हमने सुनिश्चित किया। सर, जैसे कि देखा जा रहा है कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार एक तो संख्या भी बढ़ी हुई है और दूसरी महिलाएं भी इस बार लगभग 4,000 महिलाएं जा रही है, तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी। देखिए, हमने उत्तर प्रदेश से 60 खादिमुल हुज्जाज, जो हज सेवक कहे जाते हैं, जो हाजी यात्रियों के सेवा के लिए, उनके असिस्टेंस के लिए, कोई भी उनको दिक्कत हो उसको दूर करने के लिए ये मौजूद रहेंगे दौरान सफ़र। और हमने पूरी तरीके से माइन्यूट लेवल पर सारी चीज़ें प्लानिंग की है कि कहीं कोई हमारे हाजी भाइयों को दिक्कत ना हो, हमारे हाजी भाई हज के सफ़र पे जाएं, इस पाक सफ़र पे वो सुकून के साथ जाएं और प्यार और मोहब्बत के साथ सफ़र पूरा हो, उन्हें कहीं कोई दिक्कत ना हो। यहाँ हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, देश के हर कोने के जहाँ से भी हमारी फ़्लाइट उड़ रही है और जहाँ हम लैंड करेंगे सऊदी में, वहाँ भी कोई दिक्कत ना हो, इन तमाम चीज़ों को हमने सुनिश्चित किया।